गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब में क्या है, जो हमारा फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी। हमेशा बी से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी फॉर्म को यूज करते हैं। अब बी में क्या क्या आता है, बी में आता है बी, बी का रूप होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी या शैल बी। ठीक है, ये हमारे बी के रूप है। और बी का रूप है बीन थर्ड फॉर्म में, और बी का रूप है बीइंग आईएनजी फॉर्म में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब भी आपका कोई पैसिव वॉइस सेंटेंस आपके सामने होगा इंग्लिश में, तो उसमें इनमें से कोई एक वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो इज एम आर मिलेगा, या वॉज वर मिलेगा, या विल बी, या शैल बी, या बीन, या बीइंग। ठीक है, हम बी की फॉर्म से ही पैसिव वॉइस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं। आज मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस हम कर रहे थे हिंदी टू इंग्लिश। हम ये क्लास हिंदी टू इंग्लिश ले रहे हैं ताकि जो बच्चे हिंदी जानते हैं उनको पैसिव वॉइस समझने में बिल्कुल इजी हो जाए। ठीक है, हमारा एग्जांपल है तुम्हें इन पौधों को पानी देना चाहिए। अब जब हमने पैसिव वॉइस सीखा था, आप मेरी पैसिव वॉइस की वीडियो जरूर देखना, उसके चार पार्ट हैं, तो वो आप सीरियल वाइज जरूर देखना, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो पार्ट वन में हमने समझाया था कि पैसिव वॉइस होता क्या है। अब ये सेंटेंस है तुम्हें इन पौधों को पानी देना चाहिए, ये एक्चुअल ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये पैसिव नहीं है। यहाँ पे ए भी लिखा है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट खुद एक्टिव है, कुछ काम कर रहा है। तुम्हें इन पौधों को पानी देना चाहिए, तो ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, क्योंकि चाहिए में यहाँ पे शुड का यूज हो रहा है। यू शुड वाटर दीज प्लांट्स, ये हमारा नॉर्मल मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। अब इसे हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। देखिए, पैसिव वॉइस की दो क्वालिटी होती है मेन। एक तो पैसिव वॉइस में द्वारा शब्द लगा होता है या छुपा होता है, यानी कि सेंटेंस में या तो किसी के द्वारा काम हो रहा होगा या फिर काम करने वाला होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी उसकी पहचान क्या है कि जो उसकी वर्ब होगी, यहाँ पे पानी देना वर्ब है, उसके बाद आपको 90% जाना शब्द तो दिखेगा ही दिखेगा। जाना मतलब जाना शब्द का कोई ना कोई रूप, जैसे कि जाता है, गया, जाएगा, जा रहा है, जा चुका है आदि। और उसके बाद हमें यहाँ दिखना है एक मॉडल वर्ब, दैट इज शुड। तो ये सेंटेंस पैसिव भी है और मॉडल भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस है। अब इसको बनाने के लिए हमें रूल क्या यूज करना है, हमें ये रूल यूज करना है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में इन पौधों को, ये हमारा सब्जेक्ट है दीज प्लांट्स। ठीक है, अब दीज प्लांट्स के बाद हमें मॉडल वर्ब लेनी है, तो यहां पर आ गया शुड, क्योंकि हमारी मॉडल वर्ब चाहिए आई हुई है, वो हम उसकी पहचान के हिसाब से ले रहे हैं चाहिए के लिए। बी आ गया आपका, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, देन बाय और ऑब्जेक्ट बाय यू, दीज प्लांट शुड बी वॉटर्ड बाय यू। तो ये तरीका है मॉडल वर्ब का पैसिव बनाने का। अब ये जो मॉडल वर्ब है शुड, हमने तो एक मॉडल वर्ब यूज करी है, आप कोई भी मॉडल वर्ब अगर यूज करके पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शुड, मस्ट और भी है, तो आपको करना क्या है कि मॉडल वर्ब के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि इसी से बनाया गया है, इन पौधों को पानी दिया जाना चाहिए। देखिए, इस सेंटेंस में हमने तुम्हारे द्वारा, यानी कि ये काम किसके द्वारा हो रहा है, उसको हटा दिया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद ही हो। ज्यादातर पैसिव वॉइस बिना काम करने वाले के ही बनाए जाते हैं, यानी कि उसमें द्वारा शब्द ज्यादातर आपको नहीं मिलता, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि काम किसने किया, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हुआ था काम किस चीज पे हुआ, तभी हम पैसिव वॉइस को ज्यादा बनाते हैं। तो इन पौधों को पानी दिया जाना चाहिए, दीज प्लांट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड बी वॉटर्ड हमारी, शुड हमारा मॉडल वर्ब हो गया, और पानी देना हमारी वर्ब है, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई तो ये मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस हो गया, दीज प्लांट शुड बी वॉटर्ड। अब आप इसमें चाहे मॉडल वर्ब कैन यूज करें, चाहे कुड, चाहे शुड,
इनके बाद बी की बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि उसकी हिंदी जो आप बनाएंगे वो मॉडल टू मॉडल चेंज होगी। जैसे कि अगर आप कैन का मॉडल बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो सकता है सकती के साथ पैसिव वॉइस बनेगा, कुड का बनाएंगे तो सकता था सकती थी के साथ पैसिव वॉइस बनेगा, तो वो देख लेना आप, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कॉमन रूल दे दिया आपको कि आप किसी भी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या रूल अपनाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप मॉडल का पैसिव वॉइस बनाते हैं मॉडल वर्ब का, तो मॉडल के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। और हमारे पैसिव वॉइस के पार्ट वन में हमने समझा रखा है कि डिफरेंस बिटवीन पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, तो पहले आप उसको जरूर देखें, उसके बाद आगे की चीजें देखें, क्योंकि ये उसके बाद की चीज है। ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आपको पार्ट वन और पार्ट टू अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।